यूनिवर्सिटी कैंपसों में प्रशासनिक तानाशाही के खिलाफ देश भर में छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में अब नया नाम रायपुर की हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का है, जहां भूख हड़ताल कर रहे छात्रों ने सुखपाल सिंह को अपना वाइस चांसलर मानने से इनकार कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये नाम देश के उन चुनिंदा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के हैं जहां पिछले 4 सालों में हंगामा मचा हुआ है। तरह तरह की मांगों को लेकर इन विश्वविद्यालयों के छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सीधा टकराव हो रहा है। इस लिस्ट में अब नया नाम रायपुर की प्रतिष्ठित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जुड़ गया है, जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों ने वाइस चांसलर सुखपाल सिंह पर भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है और उन्हें अपना वाइस चांसलर मानने से इनकार कर दिया है। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर नॉट माई वीसी, माय प्रोफेसर, माय प्रेडेटर जैसे नारे लिखे हुए हैं। डॉक्टर सुखपाल सिंह पे काफी सारे एलिगेशन है, करप्शन के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, इनसेंसिटिबिलिटी, कास्टिस्ट रिमार्क, सेक्सुअल हैरेसमेंट का बहुत सारे कंप्लेंट है। 61 बच्चों ने उनको रिटर्न कंप्लेंट दी गई थी एक टीचर के ऊपर, जो उनकी क्लास में पढ़ाता है और बच्चों को हैरास करता है। उनसे जब पूछा गया कि उनकी कंप्लेंट जब उनके पास लेकर आई गई थी, तो उन्होंने एक्शन किया। हमारी मांग बहुत सिंपल सी है कि हमारे जो वाइस चांसलर है उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन है, करप्शन के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के, इनकॉम्पिटेंसी के, इनएक्शन के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज पे, ये सारे एलिगेशन के तहत हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र आरोपी वीसी सुखपाल सिंह के खिलाफ एकजुटता और समर्थन के लिए सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए हंगामे के दौरान उभरी गुरमेहर कौर समेत तमाम युवा चेहरों ने इनकी भूख हड़ताल को समर्थन दिया है। HNLU के पुराने छात्र भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। दूसरी तरफ VC सुखपाल सिंह ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भूख हड़ताल खत्म करके अपनी क्लासेस के लिए लौटने की अपील की है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। HNLU में हालात फिलहाल उन विश्वविद्यालयों की तरह बनते जा रहे हैं जहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच सीधा संघर्ष हो रहा है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।